हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन की चाशनी। 1 किलो आटे से गुलाब जामुन हम बनाते हैं, उसके लिए कितनी चाशनी की ज़रूरत पड़ती है हमें आज वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत ही आसान है बनाना चाशनी। हर किसी को दिक्कत हो जाती है, चाशनी गाढ़ी हो जाती है, पतली हो जाती है। आज हम आपको अच्छे से बताएंगे आप कैसे करें कि आपकी चाशनी परफेक्ट बने। चलिए चाशनी को बनाना शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए कोई बड़ा बर्तन हमें यूज़ में लेना रहता है। हमने ये लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे चीनी। देखिए ये 2 किलो चीनी है। 2 किलो चीनी हमने कढ़ाई में डाल दी थी, 2 किलो ये है। हमने 4 किलो चीनी ले लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे चीनी में, चाशनी जब तैयार करनी होती है। अब देखिए ये जो है 2 लीटर पानी और 2 लीटर ये है। जितना आप चीनी यूज़ में लेंगे उतना ही आपको पानी लेना है। 4 लीटर हमने पानी और 4 किलो हमने चीनी का यूज़ किया। अब हमें ले लेना है इसको कुछ चलाने के लिए, और इसको हम चढ़ाएंगे चूल्हे पे। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम चूल्हे को ऑन कर देंगे। लगातार चलाते हुए चाशनी को हम तैयार करेंगे। चाशनी बनाते समय लगातार चाशनी को ऐसे ही चलाते रहना है कि चीनी अच्छे से गल जाए। जब चीनी गल जाएगी उसके बाद से हम चाशनी को पकने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अधिक मात्रा में यूज़ में लिया है। देखिए लगातार चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और जब भी चीनी यूज़ करें आप साफ़ सुथरी क्लीन एकदम चीनी बाजार से लें। चीनी गंदा ना रहे तो आपकी चाशनी जो है एकदम क्लीन तैयार होगी। अब इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए हम चाशनी को गला के तैयार करेंगे। चीनी अच्छे से गल गई है। अब इस समय हम इसमें डाल देते हैं छोटी इलायची। देखिए हमने इलायची को जो है खोल के ले लिया है। अब इलायची को डाल देते हैं, हमने 5 इलायची खोल के ले लिया है। अब इसे लगातार ऐसे चला के हमने गला के तैयार किया है चीनी को। अब इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। 15 मिनट तक अच्छे से उबाल आने लगेगा, आपकी चाशनी जो है परफेक्ट तैयार हो जाएगी। चाशनी को पकते हुए पूरे 15 मिनट हो गया है, चाशनी तैयार हो गई है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, चाशनी जो है गाढ़ी हो जाएगी। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। चूल्हे को हमने बंद कर दिया, चाशनी जो है तैयार हो गई। 1 किलो आटा है। 1 किलो आटे के लिए जब गुलाब जामुन बनाते हैं 1 किलो आपने आटा लिया है उसके लिए इतनी चाशनी जो है परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में कम भी नहीं पड़ेगा। आपकी चाशनी जो है बहुत अच्छे से इतने में हो जाएगी। इस तरीके से आप चाशनी को बनाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।